हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन अराव एजुकेशन पॉइंट। और आज हम 12th क्लास की सेकंड पॉइंट एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम रीड करेंगे। दिस पोइम इज रिटन बाय स्टीफन स्पेंडर। इस पोइम को किसने लिखा है? स्टीफन स्पेंडर ने लिखा है। द थीम ऑफ द पोइम इज द सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटी। मीन्स पोइम का जो थीम है वो समाज में फैली हुई असमानता और अन्याय के बारे में है। सो दिस पोइम डील्स विद सोशल इनइक्वालिटी एंड इनजस्टिस विच आर प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी। हेयर पोइट डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास रूम विच इज सिचुएटेड इन ए स्लम एरिया। यहाँ पर पोइट जो है ऐसे बच्चों की कंडीशन को का वर्णन कर रहे हैं जो कि एक स्लम, स्लम का मतलब है झुग्गी झोपड़ी या गंदी बस्ती के एरिया में है या स्थापित है। हेयर पोइट्स वांट्स टू ड्रा अटेंशन ऑफ एवरीवन टुवर्ड्स दीज किड्स। और पोइट यहाँ पर हर किसी का अटेंशन इन बच्चों की तरफ लाना चाहते हैं ताकि इन बच्चों की लाइफ में भी सुधार किया जा सके एंड दे बिकम गुड सिटीजन्स रादर देन क्रिमिनल्स। और ये बच्चे भी अच्छे सिटीजन बने क्रिमिनल्स बनने की बजाय। सो लेट्स मूव ऑन अवर पोएम। अवर फर्स्ट स्टैंजा इज फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस। फार फार दूर दूर, फ्रॉम गस्टी वेव्स शक्तिशाली हवा के झोंकों से, दीज चिल्ड्रंस फेस इन बच्चों के चेहरे, यानी इन बच्चों के चेहरे शक्तिशाली हवा के झोंकों से बहुत दूर हैं। मीन्स फ्रेश एयर इन बच्चों के आसपास नहीं पहुँच पाती है। लाइक रूटलेस वीड्स, इन बच्चों के चेहरे कैसे हैं? रूटलेस, जड़ से उखड़े हुए वीड्स, अनवांटेड प्लांट्स की तरह हैं। अनवांटेड प्लांट्स मीन वो खरपतवार के पौधे जो खेतों में अनाज के साथ उगाते हैं। यानी कि इन बच्चों के चेहरे कैसे हैं? खरपतवार जो खेत में उगती है उसको उखाड़ के रख दिया जाता है। यानी जब वो रूटलेस हो जाते हैं तब उनकी जो कंडीशन होती है वैसी ही कंडीशन इन बच्चों की है। और इन बच्चों की कंडीशन क्यों है? क्योंकि वो माल न्यूट्रिशन के शिकार हैं, यानी कि उनको पूरा भोजन या पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता। द हेयर टोरन राउंड देयर पैलोर। द हेयर, हेयर मीन बाल, टोरन राउंड बिखरे हुए हैं, देयर पैलोर उनके पीले पड़े हुए चेहरे पर। और चेहरा जो है पीला क्यों है? क्योंकि वो माल न्यूट्रिएंट्स हैं। एलोरमिन पीले चेहरे पे। द टाल गर्ल विद हर वेट डाउन हैंड। और जो क्लासरूम है उसके अंदर एक टाल गर्ल है। टाल गर्ल मीन एक लंबी सी लड़की है जिसका सिर जो है नीचे की तरफ झुका हुआ है। मीन्स वो लड़की बहुत ही कमज़ोर है और उसने हो सकता है शर्म के मारे नीचे की तरफ सिर झुका रखा हो। यानी जब बच्चे की पूरी ग्रोथ कब नहीं होती है? जब उन्हें न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिलता है। नेक्स्ट, द पेपर सीमिंग बॉय। उसी क्लास में एक बच्चा और है जिसकी कंडीशन कैसी है? पेपर सीमिंग बॉय। पेपर सीमिंग बॉय पेपर की तरह पतला नज़र आ रहा है। विद रेड्स आईज, उसकी आंखें चूहे के जैसी हैं। मीन्स उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा ग्रीड है। ग्रीड मीन्स कुछ कर गुजरने की शक्ति है, परंतु माल न्यूट्रिशंस की वजह से उसके अंदर हिम्मत नहीं है, पर्याप्त साहस नहीं है। सो यहाँ पर जो बच्चा है वो माल न्यूट्रिशन, इतना माल न्यूट्रिएंट है कि वो कितना पतला नज़र आ रहा है? पेपर के जैसा पतला नज़र आ रहा है। बॉय इज़ कंपेयर्ड विद अ पेपर। द स्टंटेड अनलक्की हेयर, एक और बच्चा है। द स्टंटेड, स्टंटेड मीन जिसकी ग्रोथ रुक गई है। मीन्स प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिलने की वजह से जब हमारी ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्टंटेड, अविकसित, अनलक्की। वो बच्चा कैसा है? अभाग्यशाली है, क्योंकि हेयर ऑफ ट्विस्ट, हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, हेयर मीन उसे पूर्वजों से मिला है। क्या मिला है? ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, मुड़ी हुई हड्डियाँ। यानी वो बच्चा जो है किसी हेरिडिटी डिजीज का शिकार है।
इसलिए उसे पोइट ने क्या कहा है, अनलकी कहा है, और इसी वजह से वो क्या है, स्टंटेड रह गया है, अविकसित रह गया है उसका शरीर। रिसाइटिंग ए फादर्स गर्नार्ड डिजीज, और उसको वो बीमारी जो है अपने पापा से उसके अंदर आई है, क्योंकि ये जो डिजीज है ये हेरिडिटी वाली है। रिसाइटिंग पढ़ रहा है इज लेसन, अपने लेसन को, फ्रॉम हिज डेस्क, अपने डेस्क से ही, यानी जिस बेंच पर वो बैठा है वहीं से लेसन को रीड कर रहा है। एट बैक ऑफ द डिम क्लास, उसी क्लास के डिम हिस्से पर, यानी क्लास का जो पीछे का हिस्सा है वो डार्क है, यानी वहाँ पर प्रॉपर लाइट नहीं है, क्योंकि स्कूल कहाँ बना हुआ है, कंजस्टेड एरिया में बना हुआ है। वन एन अननोटेड स्वीट एंड यंग, एक और बच्चा है जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। क्यों ध्यान नहीं है, क्योंकि वो बच्चा डार्कनेस में बैठा हुआ है। स्वीट एंड यंग, स्वीट है और यंग है। हिज आइज लिव इन अ ड्रीम, उसकी आंखों में क्या है, सपने हैं। ऑब्स्क्विरल्स गेम, और शायद उसकी आंखों में सपने किस चीज़ के हैं, स्क्विरल गेम के, यानी कि बाहर की साइड शायद वो देख रहा है, और बाहर उसे किसका गेम नज़र आ रहा है, गिलहरी का, इन द ट्री रूम, पेड़ की किसी शाखा पर। यानी उस बच्चे की आंखों में जो सपने हैं वो उस फुर्तीले गिलहरी के गेम के जैसे हैं। अदर देन दिस, यानी उसका मन इस क्लासरूम में नहीं है। सो हियर पॉइंट डिस्क्राइब द चिल्ड्रन हु स्टडी इन स्लम स्कूल, उन बच्चों के बारे में डिस्क्रिप्शंस दिया है जो स्लम स्कूल में पढ़ते हैं। स्लम स्कूल का मतलब क्या है, गंदी बस्ती में बने हुए स्कूल का स्कूल है। एंड फेसेस ऑफ द चिल्ड्रन आर डल एंड विदाउट एनर्जी, और बच्चों के चेहरे जो हैं काफ़ी डल हैं और बिना एनर्जी के हैं। ऐसा लग रहा है जो बच्चा लास्ट में बैठा है स्क्विरल गेम को देख रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे ही वॉज इंटरेस्टेड इन प्लेइंग विद स्क्विरल इन द ट्री हाउस रादर देन क्लासरूम एक्टिविटीज। सो नाउ अवर वर्ड मीनिंग आर गस्टी वेव्स, गस्टी वेव्स मीन्स पावरफुल विंड। नेक्स्ट वन इज पेलोर, पेलोर मीन पेल आर डल फेस, यानी पीले पड़े हुए चेहरे। नेक्स्ट है स्टंटेड, स्टंटेड मीन्स नॉट फुली ग्रोन ड्यू टू माल न्यूट्रिशन, यानी कि कुपोषणता की वजह से पूरी तरीके से विकसित न होना। गनाल्ड रफ, वीड्स अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो ऑन देयर ओन, ऐसे पौधे जो अपने आप ही उग जाते हैं। हेयर सक्सेसर, अवर नेक्स्ट एंजाइज ऑन शोर क्रीम वाज डोनेशंस, शेक्सपियर्स हैच। यहाँ पर जो पोएट है उसका उस स्कूल का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि वो स्कूल कैसा है। ऑन शोर क्रीम वॉल्स, शोर क्रीम वॉल्स मीन्स द वॉल्स दैट आर नॉट क्लीन एंड नॉट पेंटेड रिसेंटली, यानी कि जो साफ सुंदर नहीं है और ऐसे ही रफ हैं। डोनेशंस, डोनेशन मीन्स दान देने वाली, यानी कि उन रफ दीवारों पर पिक्चर है किसकी, शायद उन लोगों की जिन्होंने उस स्कूल को बनाने में डोनेट किया है। शेक्सपियर्स हैट, वहाँ पर शेक्सपियर की भी तस्वीर लगी हुई है। क्लाउडलेस एट डॉन, एक ऐसी पिक्चर है जो मॉर्निंग में जब आकाश क्लाउडलेस होता है उसका दिखाता है। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑन सिटीज, एक ऐसी तस्वीर है जो कि सिविलाइज्ड है, यानी कि सारे पूरे शहर में सबसे ऊंचे भवन को दिखा रही है। बैलेड फ्लावरी ट्रायलस वैली, बैलेड मीन सुंदर, फ्लावरी फूलों से भरी हुई, ट्रायलस वैली यहाँ की मतलब वहाँ पर दीवार पर ट्रायलस वैली की पिक्चर भी है जो कि काफ़ी सुंदर वैली है। ओपन हैंडेड मैप, और वहाँ पर संसार का एक मैप भी लगा हुआ है। अवॉर्डिंग द वर्ड्स इट्स वर्ड, जो कि ये दिखा संसार को वैसा ही दिखाता है जैसा संसार है, यानी कि वहाँ पर
उस मैप के अंदर संसार की पूरी तस्वीर दिखाई गई है। एंड यट, परंतु फॉर दी चिल्ड्रन, इन बच्चों के लिए, दीज विंडोज, नोट दिस वर्ड, देयर वर्ड, कहते हैं कि इन बच्चों के लिए ये जो दिखाया गया है, ये जो पिक्चर्स में सारी बातें दिखाई गई हैं, ये संसार नहीं है, बल्कि इन बच्चों के लिए संसार कैसा है, जो उस स्कूल की विंडो से बाहर नज़र आता है, वही उनका संसार है। उस स्कूल की विंडो से क्या नज़र आता है, स्लम एरिया, और कैसी कंडीशन का है, जो कि बहुत ही रफ कंडीशन का है। सो पोइट यहाँ पर एक कंपैरिजन कर रही हैं या कंपैरिजन कर रही हैं आउटर वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड इन अ स्लम एरिया, दोनों का, जो संसार बाहर है और वो संसार जो कि उस स्लम एरिया में है। फॉर दी चिल्ड्रन मैप ऑफ द वर्ल्ड इज इररेलेवेंट बिकॉज द स्लम वेयर दे लिव इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज शोन इन द मैप, क्योंकि उनका संसार वो नहीं है जो कि उस मैप में दिखाया गया है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद अ फॉग, जहाँ पर उनका संसार कैसा है, जहाँ पर ऑल देयर फ्यूचर, उनका सारा भविष्य पेंटेड विद अ फॉग, यानी कि पेंट किया गया है जिसके ऊपर, विद अ फॉग, धुंध का, यानी कि उनका भविष्य धुंध से भरा हुआ है, मीन्स फुल ऑफ डार्कनेस है। नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद लीड स्काई, और एक वहाँ पर कैसा है, एक नैरो स्ट्रीट, एक तंग गली के जैसा है, सील्ड इन, जो बंद है, इन विद लीड स्काई, इसी स्लम एरिया के स्काई तक लिमिटेड है, उनका संसार भी इसी स्लम एरिया तक लिमिटेड है और उनका फ्यूचर भी यहाँ तक लिमिटेड है। फार फार फ्रॉम रिवर्स कैप्स एंड स्टार ऑफ वर्स, उनके भविष्य में ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी उनका भविष्य दूर है, इनसे, नदियों से, कैप्स, चोटियों से, इन स्टार्स, तारों से, ऑफ वर्स, जो कि उनको शब्दों के माध्यम से जिनको पता चला है, यानी कि उनको किताबों में जो पढ़ाया जा रहा है, उन किताबों से उनका भविष्य काफ़ी अलग है। सो देयर फ्यूचर इज फुल ऑफ डार्कनेस एंड देयर फ्यूचर इज कंपेयर टू ए नैरो स्ट्रीट विच मीन्स देयर इज नो वाइड स्कोप अवेलेबल फॉर देयर फ्यूचर ग्रोथ, मीन्स वो नॉलेज और एजुकेशन दोनों से ही बहुत दूर हैं। नाउ आवर वर्ड मीनिंग्स आर शोर, शोर मीन ऑफ वाइट और क्रेमिस, यानी डल, डोनेशन, थिंग्स रिसीव्ड आर गिवन इन चैरिटी, जो चीज़ें हम या तो देते हैं या प्राप्त करते हैं दान के माध्यम से, दान, अर्ली मॉर्निंग या फिर हम सनराइज भी बोल सकते हैं, सील्ड, लॉक्ड हैं, शट, बंद हैं, लीड, यहाँ पर लीड मीन्स डार्क फ्यूचर ऑफ किड्स है, कैप्स, ए पीस ऑफ लैंड इन ए सी, यानी कि समुद्र में जो धरती का एरिया ऊंचा होता है उसे हम कैप्स कहते हैं। अवर थर्ड स्टैंजा इज श्योरली शेक्सपियर इज वीकर, निश्चित तौर पर शेक्सपियर एक दुष्ट यानी कि गलत उदाहरण है वहाँ पर, द मैप ए बैड एग्जाम्पल, और आगे पोइट कहते हैं जो नक्शा या जो मैप वहाँ पर लगा हुआ है वो भी एक गलत उदाहरण है उन बच्चों के लिए, विद शिप्स एंड द एंड सन एंड लव टेम्प्टिंग देम टू स्टील, उस मैप में दिखाई गई जहाज़ें, सन, और जिस तरह के प्यार को वहाँ पर दिखाया गया है वो उन बच्चों को अट्रैक्ट करता है टू स्टील, चोरी की तरफ, फॉर लाइफ दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल, क्योंकि उनकी जो जिंदगी है वो उन क्रैम्प्ड होल तक सीमित हो गई है, यानी कि उस सलम के एरिया तक ही चतुराई पूर्वक सीमित हो गई है, फ्रॉम फोग टू एंडलेस नाइट, उनकी जिंदगी में उस वो जो धुंध है यानी कि जो अंधकार है वो एंडलेस नाइट तक है, यानी कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, मीन्स उनका फ्यूचर भी डार्क है, मीन्स वो बंदे छोटे छोटे घरों में रहते हैं और वो वहाँ पर रह करके एडजस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं और लाइफ में वो आगे
नहीं बढ़ पाते, और इस तरीके से वो एडजस्टमेंट उनको कहाँ तक ले जाती है, फ्यूचर में भी उनके सामने डार्कनेस ही क्रिएट होती है, मीन्स वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ऑन देयर स्लैग हीप दीज चिल्ड्रन, ऑन देयर स्लैग हीप मीन अपने उन कचरे के ढेर पर दीज चिल्ड्रन ये बच्चे वियर स्कीन्स पिप्ड थ्रो बाय बोन्स एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विद मेंटेड ग्लास, कि ये बच्चे इतने कमज़ोर हैं कि इनकी जो स्किन है, जो त्वचा है, उसके नीचे जो बोन्स होती हैं वो इनकी स्किन के ऊपर से साफ नज़र आती है। मीन्स ऐसी कंडीशन के बच्चे हैं जिनकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हुई है। एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विद मेंटेड ग्लास, और ये बच्चे जो स्पेक्टिकल्स लगाते हैं, जो चश्मा पहनते हैं, वो भी टूटे हुए शीशे की बनी हुई है और लोहे की फ्रेम की है। मीन्स वो भी कच्ची क्वालिटी की नहीं है, जो उनको परेशान करती है। मीन्स वो लाइफ में एडजस्टमेंट करके आगे बढ़ रहे हैं। लाइक बोटल बाइट्स ऑन स्टोन, और उनकी चश्मा की कंपैरिजन की गई है, जिस तरीके से कांच की टूटी हुई बोतल स्टोन्स पर पत्थर पर गिरी रहती है, उनकी स्पेक्टिकल भी वैसी ही है। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फोगी स्लम्स, उन बच्चों का सारा समय उन फोगी स्लम्स के एरिया में, यानी धुंध से या अंधकार से भरी हुई गंदी बस्तियों में बीतता है। सो ब्लोट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम, तो यहाँ पर पोएट रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो मैप है, जो क्लास में, जो स्कूल में लगा हुआ है, उस मैप के ऊपर उनकी स्लम्स की तस्वीरों को भी बड़े बड़े धब्बे के रूप में दिखाया जाए, ताकि वो संसार जो उसे के मैप में दिखाई दे रहा है उस पर वो बिलीव कर सकें कि ये ऐसे संसार में रहते हैं। सो हेयर पोएट ट्राइज टू एक्सप्लेन दैट दीज किड्स हैव टू फेस सो मैनी हार्डशिप्स इन देयर लाइफ्स, इन बच्चों को अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और अब हम देख रहे हैं कि स्लम एरिया बढ़ता जा रहा है और बच्चों का फ्यूचर वहाँ पर डिस्ट्रॉय होता जा रहा है, तो इन बच्चों का उस सिचुएशन से बच पाना मुश्किल है। सो पोएट ने यहाँ पर इस पैसेज के अंदर उन बच्चों की सोशल कंडीशन को बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया है और एक तस्वीर क्रिएट करने की कोशिश की है हमारे दिमाग में। नाउ इट्स वर्ड मीनिंग आर, फर्स्ट वन इज विकेट, विकेट मीन इविल, बुरा, दुष्ट। नेक्स्ट वन इज टेम्प्टेड, टेम्प्टेड मीन अट्रैक्ट, आकर्षित करना। नेक्स्ट इज स्लाइली, स्लाइली मीन ट्रिकली, चतुराई से। क्रैम्प्ड, कन्फाइंड, सीमित। स्लैग वीक, कमजोर। मेंडेड, रिपेयर्ड, यानी कि रिपेयर किए हुए। डूम, डिजास्टर। एंड इन द लास्ट स्टैंजा हेयर पोएट रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि कुछ ऐसे कदम उठाए जाएं जिनसे इन बच्चों की ज़िंदगी में कुछ सुधार आए। सो अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर, पोएट रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से, इंस्पेक्टर, इंस्पेक्शन पर आने वाले इंस्पेक्टर से, विजिटर्स, अदर विजिटर्स से, कि कुछ ऐसे कदम उठाए जाएं जिससे इनके बच्चों की ज़िंदगी में सुधार आए। दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, कि जब तक ये मैप उनकी विंडो नहीं बन जाता, खिड़की नहीं बन जाता, उससे पहले दीज विंडोज दैट सेट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटकॉम्ब, और उससे पहले ये जो खिड़कियां हैं वो इनकी लाइफ को ख़राब नहीं कर देती या बंद नहीं कर देती, किसकी तरह, कब्रिस्तान की तरह। उससे पहले इन खिड़कियों को ब्रेक तोड़ दीजिए, और ब्रेक फिर कहते हैं कि तोड़ दीजिए, क्योंकि ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, क्योंकि ऐसा ना हो कि ये खिड़कियां एक दिन, ये खिड़कियां मीन्स ये सलम एरिया एक दिन इस शहर को ही तोड़ दें। मीन्स स्लम एरिया जिस गति से बढ़ता जा रहा है, एक दिन वो सारे शहर को कवर कर लेगा। इससे पहले जो है पोएट रिक्वेस्ट करते हैं कि कुछ ऐसे कदम उठाए जाएं कि ये स्लम एरिया ख़त्म हो जाए
और इन बच्चों की ज़िंदगी में कुछ रोशनी आ जाए। एंड शो द चिल्ड्रन ग्रीन फील्ड्स, को रिक्वेस्ट करते हैं कि इन बच्चों को हरे खेत दिखाओ, मीन्स इन बच्चों को संसार की वास्तविकता से परिचित कराओ। एंड मेक देयर वर्ल्ड रन अजोर ऑन गोल्ड सैंड्स, एंड मेक देयर वर्ल्ड, और इनके संसार को बनाओ गोल्ड सैंड्स, सुनहरी रेत पर फैले हुए आसमान की तरह। एंड लेट देयर टंग्स रन नेक्ड, और इनको ऊपर लगी हुई पाबंदियों को यानी बिना रोक टोक के इनको जो है एजुकेशन मिलनी चाहिए। इनटू बुक्स द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, कि नॉलेज के रास्ते इनके लिए खोल देने चाहिए दोनों ही तरीके से, किताबों के लिए भी और नेचर से रिलेटेड जो नॉलेज बच्चों को मिलती है वो रास्ते भी इनके लिए खोल देने चाहिए। हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन, यहाँ पर जो है पोएट एक एग्जाम्पल सन के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से फिर गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करती हैं, क्योंकि हिस्ट्री देयर्स, इतिहास उनका रहा है, हुज लैंग्वेज इज द सन, जिसकी भाषा सूर्य की है, यानी जिसके काम सूर्य की तरह होते हैं, जिस तरीके से सन खुद जल करके दूसरों को रोशनी देता है यानी दूसरों की ज़िंदगी में रोशनियां भरता है, वैसे ही आपको भी इन लोगों की ज़िंदगी में रोशनी क्रिएट करनी चाहिए। एंड दिस विल रिजल्ट इन देयर प्रोग्रेस एंड दे विल बी एबल टू पेंट अ ब्राइट फ्यूचर फॉर देमसेल्व्स। अगर सरकार ऐसे कदम उठाती है तो इसका परिणाम ये होता है कि इनकी ज़िंदगी में प्रोग्रेस आती है और वो अपनी ज़िंदगी, अपने फ्यूचर को अच्छा बना सकते हैं। नाउ इट्स वर्ड मीनिंग आर कैटाकॉम्स, कैटाकॉम्स मीन टॉम, कब्रिस्तान, अजोर, डीप ब्लू, गहरा नीला। सो स्टूडेंट्स, इट वॉज योर पोएम। इफ यू लाइक दिस वीडियो then please share and subscribe my channel. Thank you. Bye bye. Dekhte rahiye, bane rahiye aur samajhte